स्टूडेंट्स, अभी हम लोग स्टडी करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट ऑफ फूड बोलने का मतलब क्या होता है, पहले वो समझ लोगे तो चैप्टर एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा कि फूड के अंदर क्या है। देखो, ये बात तो हम जानते हैं कि खाना खाने से हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है, और उस एनर्जी की हेल्प से हम लोग बाकी अपने लाइफ के सारे काम करते हैं। अब बात समझो, ये कंपोनेंट ऑफ फूड में क्या सिर्फ एनर्जी है और कुछ नहीं है? बहुत कुछ है। हमारी बॉडी को अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है अलग अलग काम के लिए। जैसे कि हमें प्रोटीन मिलता है खाने से, हमें विटामिन्स मिलते हैं खाने से, हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है खाने से, हमें फैट मिलता है खाने से, और हमें खाने से मिनरल्स मिलते हैं। तो हमें खाने से बहुत सारी चीज़ें मिलती है, और ऐसा भी नहीं है कि ये पाँचों चीज़ें आपको एक ही चीज़ से आपको पाँचों चीज़ें मिल गई, नहीं। थोड़ा सा ये खाओगे तो प्रोटीन मिलेगा, ये खाओगे तो कार्बोहाइड्रेट, ये खाओगे तो हो सकता है प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट दोनों मिल जाए, ये खाओगे तो कार्बोहाइड्रेट और फैट, ये खाओगे तो आपको फैट मिलेगा, लेकिन आपको ये पांचों चीज़ें जितनी आपकी बॉडी को ज़रूरत है वो सारी एक चीज़ में मिलना मुश्किल है। तो इसीलिए हम लोग अलग अलग चीज़ें खाते हैं ताकि हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है उसको हम लोग पूरा कर सकें। क्लियर? अच्छा, अब देखो फूड क्या है, ये ऑलरेडी हम लोग पहले स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। जब हम लोग ने क्या पढ़ा था, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, ठीक है, तो वही सारी बातें लिखी हुई है। अब आते हैं हम लोग न्यूट्रिशन में। खाने से हमें क्या मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है, और न्यूट्रिशन हमें डायरेक्ट नहीं मिलता है। अब हम जो रोटी खाते हैं उसके अंदर न्यूट्रिशन होता है, मतलब हमारी बॉडी अब उस रोटी के अंदर से न्यूट्रिशन को निकालती है, और वो न्यूट्रिशन की मदद से चाहे वो ग्रोथ होता हो, चाहे वो डेवलपमेंट होता हो, चाहे वो एनर्जी मिलता हो, ठीक है। क्लियर? द प्रोसेस ऑफ कंज्यूमिंग न्यूट्रिशन ऑफ आवर बॉडी एंड ऑब्टेन एनर्जी। देखो, हर एक वर्ड को समझो। न्यूट्रिशन आपके रोटी में तो है, लेकिन उसको कंज्यूम करना, उसको लेना सबसे बड़ी बात है, और जब हम लोग उसको लेते हैं तभी हमारी बॉडी को एनर्जी और पावर मिलती है, ठीक है। आवर फूड कंटेन थ्री मेन सब्सटेंसेस। हमारे खाने में तीन सबसे इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होते हैं, दैट इज फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। उसके अलावा भी बहुत कुछ होता है, जैसे कि वाटर, सॉल्ट्स एंड मिनरल्स, विटामिन्स एंड फाइबर, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। हालांकि पानी के बिना भी नहीं रह सकते, लेकिन थ्री इंपॉर्टेंट बोला है, ठीक है ना, सब्सटेंस जो खाने में होते हैं, तो वो होता है फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। लेकिन साथ ही साथ बॉडी को पानी भी चाहिए, सॉल्ट्स मिनरल्स भी चाहिए, विटामिन्स भी चाहिए और फाइबर भी चाहिए। अच्छा, हर इंसान की बच्चों डाइट अलग अलग होती है, कोई ज़्यादा खाता है, कोई कम खाता है। तो बोला जाता है एट अ टाइम एक आदमी कितना फूड खाता है वही उसकी डाइट है। मेल न्यूट्रिशन मतलब उसमें न्यूट्रिशन की कमी होना, या तो उसको अच्छे से खाना नहीं मिलता है, या फिर वो सारे न्यूट्रिशन वाला खाना नहीं खाता है, जिसके वजह से वो कमज़ोर हो जाता है, ठीक है ना। या तो एडोकेट फूड मतलब उसको पूरा खाना नहीं मिला, या फिर उसके डाइट में वो खाना तो पूरा खा रहा है लेकिन उसके खाने में सारा न्यूट्रिएंट्स नहीं, वो सिर्फ रोटी खा रहा है, रोटी खा रहा है, रोटी खा रहा है। रोटी में जो जो विटामिन्स होते हैं, जो जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वही मिलेंगे, सारे तो नहीं मिल जाएंगे, और जितने उसको चाहिए उतने भी नहीं मिलेंगे, तो इसलिए वो क्या हो जाता है, इसीलिए वो कमज़ोर हो जाता है और वो मेल न्यूट्रिशन से सफ़र करता है, जिसके वजह से उसको बहुत सारी बीमारियां भी हो जाती हैं। वेरियस फूड कॉम्पोनेंट आर ग्रुप्ड इन थ्री क्लासेस। देखो, हमें एनर्जी चाहिए, हमें बॉडी बिल्डिंग चाहिए, और हमें हमारे शरीर को बचा के भी रखना है। तो एनर्जी आती है कार्बोहाइड्रेट और फैट से। सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी कहाँ से आएगी, कार्बोहाइड्रेट और फैट से। अगर आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है, मसल्स बनानी है, तो किससे बनेगी, प्रोटीन से। और अगर आपको आपके शरीर को बचा के रखना है तो वो कैसे बचेगा, विटामिन्स और मिनरल से। बात आता है कार्बोहाइड्रेट कहाँ से आता है, ठीक है, इन सभी का नाम हम लोग जानते हैं। यहाँ से हम लोग को क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। शुगर कैन, मैंगो, सब हमें क्या देते हैं, कार्बोहाइड्रेट देते हैं। अच्छा, कुछ तरह के कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, और ये कार्बोहाइड्रेट्स के पार्ट है जो हमारी बॉडी में मिलते हैं। स्टार्च,
टर्न्स आयोडीन सॉल्यूशन टू डार्क ब्लू और ब्लैक, मतलब जो स्टार्च होता है, स्टार्च किस में है, कार्बोहाइड्रेट में है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में पाया जाता है, क्लियर। तो वो जो स्टार्च है, वो स्टार्च आयोडीन के सॉल्यूशन को का कलर चेंज कर देता है, या तो डार्क ब्लू में या फिर ब्लैक में, ठीक है। अब देखो हमें कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिला, मेज, मैंगो, वाटरमेलन, पपाया, ये सब जितना भी नाम लिखा हुआ है इन सब से हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट। अब हम लोग आ जाते हैं हमारे फैट के पास, ठीक है। फैट या तो हमें प्लांट से मिलता है या हमें एनिमल से मिलता है। यूजुअली यहाँ पर सभी तेल के नाम लिखे हुए हैं, घी, बटर के नाम लिखे हुए हैं, क्लियर। फैट क्या है, एक तरह से हमारी बॉडी में फ्यूल है जो हमें कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। और बॉडी है सम एडवांटेज ऑफ फैट डिपॉजिट, क्या होता है कि अगर आज आपने फैट खा लिया लेकिन वो अभी आपने उसको एनर्जी की तरह यूज़ नहीं किया, तो हमारी बॉडी क्या करेगी, फैट को स्टोर कर लेगी, जब ज़रूरत होगी उस स्टोर फैट को निकाल निकाल के आपकी बॉडी को देती रहेगी, और हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को ग्रो करने में मदद करता है, साथ ही साथ कुछ इंजरी से भी हमें बचाता है, और हमारी बॉडी से जो हीट निकलती है उसको भी प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है। लेकिन अगर बहुत सारा फैट इकट्ठा हो जाएगा तब हमारी बॉडी के लिए बहुत हानिकारक होता है, उस चक्कर में इंसान ओबेसिटी मतलब एकदम मोटापे से फूल जाता है। फैटी सब्सटेंस लीव ग्रीजी एंड ट्रांसपेरेंट स्पॉट ऑन पेपर, जो फैटी सब्सटेंस होते हैं वो पेपर पे एक ट्रांसपेरेंट स्पॉट बना देते हैं, ठीक है। अब देखो प्रोटीन हमें कहाँ से मिलता है, दूध से, मछली से, चीज, एग, अंडा, यहाँ सबसे हमें ज़्यादातर प्रोटीन मिलता है, ठीक है। और उसके बाद जो दाल होती है उससे भी हमें प्रोटीन मिलता है, यहाँ पर देखो जैसे मूंग की दाल हो गई, सोयाबीन हो गया, फिश हो गया, मीट हो गया, पनीर हो गया, एग हो गया, इन सब से हमें क्या मिलता है, मटर के दाने हो गए, इन सब से हमें प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन किस लिए काम आता है, न्यू टिश्यू बनाने के लिए, एकदम कम से कम पीरियड में, जब एकदम इन्फेंसी होती है या प्रेगनेंसी होती है तब उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन दिया जाता है। अब आ जाते हैं वाइटामिन्स। वाइटामिन्स हमें ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं चाहिए, थोड़ा थोड़ा ही चाहिए, ये हेल्प इन कीपिंग आवर आईज, बोन्स, टीथ एंड गम हेल्दी। द फूड रिच इन विटामिन्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड एज दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज एंड कीप अस हेल्दी। तो बच्चों जिसमें विटामिन होता है वो हमारी बॉडी को एकदम हेल्दी रखते हैं, क्लियर। देखो यहाँ पर जैसे विटामिन ए के लिए क्या है, मिल्क है, फिश ऑयल है, ठीक है। उसके बाद विटामिन सी के लिए आंवला, लेमन, गावा, टमाटो, ऑरेंज, ये सबसे हमें विटामिन सी मिलता है। डी, एग हो गया, फिश हो गया, मिल्क, अलग अलग तरह के विटामिन्स होते हैं। उसके बाद आता है मिनरल्स। मिनरल भी हमारी बॉडी में एकदम थोड़ा सा ही क्वांटिटी में चाहिए, ये हमारी बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ के लिए और हमारी अच्छी हेल्थ मनाने के लिए काम आता है, ठीक है। ये भी हमें कहाँ से मिलता है, देखो मछली, दूध, केला, अंडा, आयरन मिलता है, ठीक है। तो देखो हमारा मिनरल्स क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, आयोडीन, फॉस्फोरस, आयरन, कैल्शियम, क्लियर। उसके बाद आता है वाटर, हमें कम से कम दिन में 5 से 7 लीटर पानी पीना चाहिए, उससे हमारी बॉडी का जो डाइजेशन है वो अच्छे से रहता है, और जो यूरिन होता है और इम्प्योर ब्लड होता है वो क्लियर हो जाता है, और साथ ही साथ जब हम लोग स्वेटिंग करते हैं तो हमारी बॉडी को ठंडा रखने के लिए भी काम करता है, और ब्लड सर्कुलेशन, जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड घूमता रहता है उसमें भी पानी मदद करता है, क्लियर। रफ जो हम लोग नॉर्मली अपना खाना खाते हैं, दाल, आलू, चावल, वो सब है, ठीक है ना। और इट हेल्प्स इन प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड एंड प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। तो रफेज एक तरह से क्या होता है सर, ये एक तरह से फाइबर होता है, ठीक है, और फाइबर हमारा खाने को बाहर निकालने में मदद करता है। जिनके शरीर में फाइबर की बच्चों कमी होती है उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, उसको बहुत दिन तक पोटी नहीं आती, तो वो भी एक तरह से बीमारी है, क्लियर। अगर आपके अंदर कुछ विटामिन्स की कमी है तो आपको कुछ कुछ प्रॉब्लम होगी, जैसे कि अगर आपकी बॉडी में विटामिन ए की कमी है तो आपको रात में दिखना बंद हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। और
पुअर और लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस समटाइम कंप्लीट, मतलब आपको बिल्कुल ही कभी कभी ऐसा समय आएगा जब नहीं दिखेगा। विटामिन B1 की कमी होगी तो उसको बोलते हैं बेरी बेरी, उसमें आपके मसल्स एकदम कमजोर हो जाते हैं और आपकी बॉडी में काम करने की हिम्मत नहीं रहती। विटामिन सी, आपके जो मसूड़े होते हैं उसमें खून निकलता है। विटामिन डी, रिकेट्स, आपके शरीर की जो बोन होती है वो एकदम कमजोर हो जाती है। कैल्शियम, हाइपोकैल्शियमिया, अगर आपके बॉडी में कैल्शियम की कमी है तो आपका तूत दिखे होगा, वीक बोन्स होने लग जाएगी। आयोडीन, आपने देखा है गोइटर लोगों के बड़े बड़े गलों में एकदम नीचे में लटक जाते हैं, उसको हम लोग गोइटर बोलते हैं, ठीक है। आयरन की कमी होगी तो आपके बॉडी में वीकनेस आएगी। बैलेंस डाइट ऑलरेडी हम लोग स्टडी किए हैं, क्या होता है कि इंसान को प्रॉपर खाना खाना चाहिए, ठीक है। बेरी बेरी क्या था सर? विटामिन बी की कमी थी, ठीक है ना। ये देखो, बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी थी, और इससे क्या होता है, वीक मसल्स और आपके शरीर में एनर्जी बिल्कुल नहीं बचेगी, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट हमने स्टडी किया अभी। कार्बोहाइड्रेट यूजुअली किस फॉर्म में मिलता है? स्टार्च एंड शुगर के फॉर्म में। एनर्जी क्या होता है? कोई भी काम को करने के लिए आपको जो कैपेसिटी लगती है, ठीक है ना, उसको हम लोग एनर्जी बोलते हैं। तो हमें डे टू डे एक्टिविटी के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। फैट क्या है सर? एक तरह से फ्यूल है जो मुझे बहुत सारी एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब देखो एक बात समझो, ये जो रिक्वायरमेंट होती है ना न्यूट्रिएंट्स की, ये अलग अलग डिपेंड होती है। मेल की अलग होती है, फीमेल की अलग होती है। 0 से 6 साल के बच्चे की अलग होती है, 6 साल से 12 की अलग, 13 से 18 की अलग, 18 से ऊपर अलग, 60 साल के इंसान की अलग डाइट होती है। तो ये जो रिक्वायरमेंट है ये बदलती रहती है, जगह के डिपेंड पे, जगह अलग है उस पे भी डिपेंड करता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स है जिस पे न्यूट्रिएंट डिपेंड करता है। दो तरह के इंसान है, एक ऑफिस में बैठ के काम करता है दिन भर, और एक दिन भर बेचारा बोरी उठा के ट्रक लोड करता है। तो दोनों की डाइट में फर्क होगा, ये कम खाएगा ये ज्यादा खाएगा, क्लियर। अब देखो ये ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि कार्बोहाइड्रेट के दो मेजर टाइप्स होते हैं, एक होता है स्टार्च और एक होता है शुगर, ठीक है। तो स्टार्च जो एप्पल होता है वो नेचुरल सोर्स ऑफ शुगर होता है, और जो राइस होता है उसमें स्टार्च मिलता है, ठीक है। जो शुगर होता है ना बच्चों, वो बहुत सिंपल होता है, सिंपल होता है। देखो इस बात को ऐसे समझो, अगर आज आप एक इतना बड़ा गस्सी खा रहे हो रोटी का, और आपके सेल को चाहिए खाना, न्यूट्रिशन आपके सेल को चाहिए, तो सोचो इतनी बड़ी गस्सी, इतना छोटा सेल कैसे घुसेगा। तो आपकी बॉडी क्या करती है, इतनी बड़ी गस्सी को एकदम टुकड़े टुकड़े में बना देती है, और फिर उसमें से न्यूट्रिएंट्स निकाल के इस सेल के पास भेजती है। तो ये जो शुगर है ना, ये बहुत सिंपल है। आप एप्पल खाओगे एकदम से फटाक से आपके पास एनर्जी आपके सेल के पास चली जाएगी। लेकिन जो स्टार्च होता है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, उसको दो तीन प्रोसेस कर करके कर करके वो कार्बोहाइड्रेट सेल तक पहुंचाएगा, क्लियर। बात समझ में आ गया? सिंपल एकदम फटाफट पहुंच जाएगा, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स होगा जैसे कि स्टार्च, वो थोड़ा टाइम के बाद पहुंचेगा। शुगर हमें क्या चीज़ से मिलती है? फ्रूट से, हनी से, या फिर टेबल शुगर से। शुगर को हम लोग सिंपल कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं, और स्टार्च को कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं। तो कॉम्प्लेक्स हमें कहाँ से मिलता है, ये देखो सब नाम लिखे हुए हैं, नोट डाउन करना चाहो तो आप नोट डाउन कर सकते हो। तो देखो हम जब शुगर खाते हैं तो हमारा बॉडी उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लूकोस में। शुगर को किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लूकोस में। और फिर ये ग्लूकोस हमारे ब्लड में चला जाता है और हमें एनर्जी देता है, क्लियर। अब बात आती है प्रोटीन की। प्रोटीन हमें किस लिए चाहिए? मसल बिल्डिंग के लिए चाहिए, और हमारे जो टिश्यू खराब हो जाते हैं उनको रिपेयर करने के लिए चाहिए, ठीक है। और मसल ऑर्गेन एंड इवन ब्लड आर मेड अप ऑफ मोस्टली प्रोटीन। जो हमारे मसल्स है, मोस्ट ऑफ आवर ऑर्गेन्स है, और यहाँ तक कि ब्लड भी क्या चीज़ से बना है? प्रोटीन से बना है। अगर हम प्रोटीन नहीं खाएंगे तो हमारे डैमेज सेल को हम ठीक नहीं कर पाएंगे, या फिर हम नए सेल भी नहीं बना पाएंगे। प्रोटीन हमें एनिमल और प्लांट दोनों से मिलता है, ठीक है। ये एग्जाम्पल हो गए, और पहले भी ऑलरेडी हम देख चुके हैं। विटामिन के यूजेस भी हम सब
स्टडी कर चुके हैं हर एक विटामिन का डिटेल में, क्लियर। चलो अब हमें पता लगाना है कि सर किसी खाने में स्टार्च अवेलेबल है या नहीं है। कैसे लगाएंगे? सपोज यहाँ पर तीन खाने की डिश अलग अलग रखी हुई है। इस खाने की डिश के ऊपर आप डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन के दो दो तीन तीन ड्रॉप तीनों पे डाल दो, ठीक है। अगर इनके खाने का कलर चेंज हो गया, अगर इनमें सपोज इसका कलर चेंज हुआ, इसका कलर चेंज हुआ ब्लू या ब्लैक में, लेकिन इन दोनों का चेंज नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या है कि सर इस खाने में स्टार्च है। आयोडीन सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाएगा या तो ब्लू में या ब्लैक में, क्लियर। चलो अब अगर हमें किसी भी खाने में टेस्ट करना है कि उसमें प्रोटीन है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे? सपोज हमारा जो खाने का सब्सटेंस है वो सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, तो सॉलिड फॉर्म में पहले क्या करेंगे, हम उसको पीस देंगे, ठीक है, उसको पाउडर बना देंगे, और पाउडर बनाने के बाद उसमें हल्का सा पानी मिला के उसको एक पेस्ट बना देंगे, ठीक है। अब ये पेस्ट बन गया, अब इस पेस्ट के ऊपर हम दो ड्रॉप डालेंगे कॉपर सल्फेट का और 10 ड्रॉप डालेंगे कॉस्टिक सोडा का। अगर हमारे खाने का कलर चेंज हो गया, अगर हमारे खाने का कलर वायलेट हो गया, तो इसका मतलब हमारे खाने में प्रोटीन है वरना नहीं है, क्लियर। नेक्स्ट देखो, जो हमारा फैट है बच्चों, उसको टेस्ट करने का तरीका तो एकदम आसान है। सपोज हम लोग समोसा लेते हैं, ठीक है, एक पेपर लिया और पेपर के ऊपर समोसा रख दिया और पेपर को फोल्ड कर दिया, दबा दिया, ठीक है। और फिर जब हम लोग समोसे को बाहर निकाल लेंगे, तब देखेंगे कि पेपर पे कुछ वाइट कलर के पैचेस हो गए हैं, जो ऑयली पैचेस हो जाते हैं, कुछ वैसे हो गए हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि जो समोसा है उसमें क्या है, ऑयल है, और ऑयल में क्या होता है, फैट होता है। ऐसा भी हो सकता है कि समोसे में पानी हो, तो आप इस पेपर को कुछ समय के लिए छोड़ दो, ठीक है, रेस्ट के लिए छोड़ दो। अगर बच्चों इस पेपर में पानी लगा होगा, तो आफ्टर सम टाइम पानी क्या हो जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा, लेकिन जो अगर ऑयल होगा तो वो इवापोरेट नहीं होगा, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि मेरे इस फूड आइटम में क्या है, फैट है, क्लियर। अच्छा बच्चों, मैंने आपको थोड़ा देर पहले रफेज बताया था, याद हो तो, ठीक है, उस रफेज को मैंने फाइबर भी बताया था, तो उसका पूरा नाम लिख लो, उसका पूरा नाम है डाइटरी फाइबर्स, डाइटरी फाइबर्स, क्लियर। डाइटरी फाइबर हमें क्या चीज़ से मिलता है? दाल से मिलता है, आलू से मिलता है, फ्रूट से मिलता है, वेजिटेबल से मिलता है, और ये हमें क्या काम करता है, हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। बच्चों ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा, जब आप बहुत ज़्यादा फैट खा लेते हैं, तब आपको ये बीमारी हो जाती है ओबेसिटी की, मतलब मोटापे की, ठीक है, क्लियर। लिख लो, वेन वी ईट टू मच ऑफ फैट, टू मच ऑफ फैट रिच फूड्स, रिच फूड्स एंड वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम, एंड वी मे एंड वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी, ठीक है, क्लियर। अच्छा, मैंने आपको बताया था मेल न्यूट्रिशन, अगर आपके बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है, तो आपके बॉडी में किसी न किसी चीज़ की डेफिशिएंसी हो जाएगी। क्या वर्ड बोला मैंने? डेफिशिएंसी, देख लो, डेफिशिएंसी का मतलब होता है किसी भी चीज़ की कमी होना, किसी भी चीज़ की आपकी बॉडी में कमी होना, ठीक है, कोई भी विटामिन की कमी हो सकती है, या मिनरल की हो सकती है, या फाइबर की हो सकती है, या प्रोटीन की हो सकती है,
जिसके वजह से अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कमी होने के वजह से अगर आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम होती है, उसको हम लोग बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीज, कि सर मेरे बॉडी में प्रोटीन नहीं था, उसके वजह से मुझे ये बीमारी हुई, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेफिशिएंसी डिजीज़। क्लियर? तो बच्चों हमने चैप्टर ऑलमोस्ट पूरा एकदम अच्छे से कवर अप कर लिया है, तो अभी हम लोग इस लेक्चर को ओवर करते हैं। ओके, चलो, थैंक यू स्टूडेंट्स।